बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो ये है आज का दिन और आज जारी है सिर्फ अभिया स्कूल, क्योंकि अभिया का कोई एनुअल फंक्शन है, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है किसी पोइम डांस प्रैक्टिस में, तो फिर इसलिए वो जा रही है स्कूल। तो उसका हो रहा है नाश्ता तैयार और साथ साथ सबका ही नाश्ता बना रही हूँ। ये पराठा बन रहा है सलमान के लिए और इसमें मैंने यूज़ किया है सरसों का ऑयल। पराठे सरसों के ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन एग्स जो हैं वो मैं देसी घी में बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एग्स मुझे सरसों के तेल में इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो पराठे बन रहे हैं सरसों के ऑयल में, हेल्दी, बहुत हेल्दी हो जाते हैं सरसों के ऑयल में पराठे, इसलिए इन्हीं में बनाती हूँ। सलमान को अपने पराठे में बहुत ही कम ऑयल पसंद है, कहीं कहीं से रोटी टाइप दिख रहा हो पराठा और कहीं कहीं से पराठा इस टाइप का, तो मैं उनके लिए बहुत ही कम थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ ताकि उनकी पसंद का, देखें कहीं कहीं से रोटी दिख रही है, इस तरह का ही पराठा बनाती हूँ उनके लिए। और ये बन रहा है हसीब का पराठा, नहीं आई थिंक ये भी अभिया का ही पराठा है। इस पराठे में से छोटे छोटे से अभिया के ज़्यादा सारे पराठे निकलेंगे। और अभिया के लिए मैंने अंडा जो था ना वो भी फ्राई किया बहुत ही नए अंदाज़ में, वो आगे देखिएगा आपको कैसे किया मैंने वो। और ये एक पराठा देसी घी वाला। ये अभिया के छोटे छोटे पराठे लंच के लिए बन रहे हैं और नाश्ते के लिए। नाश्ते में भी थोड़ा बहुत खा जाती है, ज़्यादा नहीं खाती, लंच में भी बस खा लेगी। मैंने कहा खुद भी खा लेना, फ्रेंड्स से भी शेयर कर लेना। चुन्नी मुन्नी सी है अभिया, चुन्ना मुन्ना सा खाती है। मैंने कहा ले जाओ फ्रेंड्स से शेयर करना, खुद खाना, जितना खाना है कर लेना जो भी है। और जी ये एग, ये एग का हैक मैंने बहुत ज़्यादा देखा था यूट्यूब पे कि फ्रीज़ करो एग को और छोटे छोटे बहुत सारे एग्स बन जाते हैं बच्चों के लिए, तो मैंने ये किया। और ये देखें ये हैक किस तरह का पत्थर बन चुका था। इसका छिलका उतारना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, फिर मुझे पता चला टैप के नीचे मैंने इस एग को रखा तो फिर मैंने इसका छिलका आराम से उतार लिया, वरना तो इसका छिलका उतर ही नहीं रहा था। और देखें इतनी दिक्कत हुई मुझे इसे उतारने में, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये छिलका नहीं उतरेगा तो बनेगा कैसे। लेकिन फिर मैंने टैप के नीचे रखा इसे तो फिर ये थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट टाइप का हुआ और इसका छिलका पूरा का पूरा उतर गया आराम से। तो थोड़ी कोशिश के बाद मुझे आइडिया हुआ था कि टैप के नीचे रखने से ऐसे जल्दी से उतर जाएगा। खैर जी ये मैंने उतारा और फिर मैंने इसे कट किया और इतना बर्फ़ किस्म का एग ये हो गया था ना कि ये मुझसे कट ही नहीं हो रहा था, मेरे हैंड्स जम रहे थे। हालांकि इतनी गर्मी है फिर भी हैंड्स जम रहे थे, लेकिन ना बड़े औखा ही कटा ये, और जी मतलब टेढ़ा मेढ़ा ही कटा, सीधा सीधा भी नहीं कटा, क्योंकि इसे काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे हैंड जम गए थे। और फिर मैंने कट किया इसे और फिर मैंने इसे फ्राई किया, लेकिन ये अच्छा बन गया था, मज़े का अभिया के लिए ना। अभिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, साथ साथ बनते हुए देख रही थी और हैप्पी हो रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, कोई न्यू चीज़ कर रही हैं। और जी छोटे छोटे एग्स बना के दिए मम्मा ने मुझे, बहुत मज़ा आ रहा था उसे।
और जी एग कट करते करते मुझे इतना टाइम लगा ना कि जी मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच पे देसी घी रखा हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था और ये ना थोड़े जलने पे आ गए थे, फौरन से ही कोकोने लग गए थे। तो जल्दी से अगर मैं कट कर लेती या फिर मैं ज़्यादा देर से पैन रखती कट करने के बाद तो फिर ठीक रहता, आइंदा से यही करूँगी। लेकिन बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस रहा, अब यह हैप्पी हो गई। और ये जी रेडी हो गए हैं क्यूट से एग्स एंड क्यूट से मिनी पराठास पर अभिहाज लंच। और जी बड़े क्यूट से लग रहे हैं ये। और जी अभी इन पर नमक डालना बाकी है, नमक बिल्कुल भी नहीं भूलना वरना एग का टेस्ट नहीं आएगा। अभी यानी एंकलेट पहनी है, इसकी फूफो लेके आई थी बीना फूफो। पहले तो अभी आपको बहुत ज्यादा लूज थी, अब अभी आपको सही आने लग गई है, मजे की लग रही है। ये मैंने अच्छी लग रही है, मार के रखी थी। आपने रखी हुई थी, आपके टॉयज में थी? नहीं, मैंने अपने कबर्ड में रखी हुई थी। अपने कबर्ड में क्यों रखी हुई थी? ऐसे ही ये क्या है, इसके अंदर क्या है? अभी इसके अंदर एंकलेट थी। ओके ब्लू वाला नहीं बस ना, मेरे को ब्लू वाला है ये कहीं। आज बहुत ही शदीद गर्मी हो चुकी है तो हमने एसी नहीं ऑन किया। नो ऑन नहीं किया हुआ, अरे वो जो गर्मी है इसलिए ना मेरा पसीना। हाँ नमाज पढ़ने देखें, टाइम जा रहा है निकल रहा है, चलो उठे वजू करें। चलो चलो जल्दी से यहीं पे पड़ेंगे ठीक है। ए, बहुत गर्मी लग रही है। ओए ब्लू वाला पसीना, अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ ब्लू वाला पसीना आ गया। ओए मेल तो रहा है। आज खाने में है भिंडी धुआंधार जो कि एनी ने बनाई है, और कीमा मिक्स सब्जी जो कि मैंने बनाई है। मैंने नहीं, मैंने बनाई है।